हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि उलमा की सोहबत में बैठना भी इबादत है, तो लिहाजा उसे चाहिए कि वो उलमा को भी अपना दोस्त बनाए और उलमाए किराम की सोहबत में भी बैठे। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये है कि दोस्त किसे बनाए, कुरान ने तो यह फरमाया कि अब ये है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों को अपना दोस्त बनाओ, तो अच्छे दोस्त की 5 सिफात भी बयान की है। तो लिहाजा के दोस्त कैसा हो, इस ताल्लुक से हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि इंसान के लिए उन खसलतों और सिफात का जानना भी ज़रूरी है कि जिसके बाइस किसी की सोहबत इख्तियार करने में रग़बत की जाती हो। मजीद फरमाते हैं कि सिर्फ ऐसे शख्स की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए कि जिसमें यह खूबियाँ पाई जाए। नंबर 1, पहली सिफत यह है कि वो अकलमंद हो। फरमाते हैं इमाम गजाली कि बेवकूफ़ के साथ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके साथ कितना ही तवील हो अंजाम वहशत और जुदाई होता है, और अकलमंद की सोहबत इख्तियार करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बेवकूफ़ शख्स अगर तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने और तुम्हारी मदद करने का इरादा करता है तो फिर भी तुम्हें नुकसान ही पहुंचाता है। दूसरी सिफत ये बयान की कि दोस्त जो है अच्छे अखलाक का हामिल और अच्छे अखलाक का मालिक हो। फरमाया कि जिसकी सोहबत अपनाई जाए उसके अखलाक भी अच्छे होना ज़रूरी है, क्योंकि बुरे अखलाक वाला आदमी चाहे कितना ही अकलमंद हो, जब उस पर गुस्सा, ख्वाहिश, बुख़ल या बुज़दिली वगैरह गालिब हो तो वो अपने नफ्स की पैरवी करता है। यूं बाज़ औक़ात खुद भी हलाकत में पड़ता है और अपने दोस्तों को भी हलाकत में डाल देता है। तीसरी सिफत, फासिक ना हो। अच्छे दोस्त की सिफत ये भी है कि वो फासिक यानी गुनाह पर अड़ने या ऐलान या गुनाह करने वाला ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया तर्जमाए तर्जुल इरफान, और उसकी बात ना मान जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका काम हद से गुजर गया। मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और जगह इरशाद फरमाता है तर्जमाए तर्जुल इरफान, तो तुम उनसे मुंह फेर लो जो हमारी याद से गिरा और उसने सिर्फ दुनियावी जिंदगी को चाहा। तो लिहाजा गुनाहगारों फासिकों की सोहबत से हमेशा बचते रहे कि जो गुनाह का आदी होगा उसकी सोहबत बाज़ दफ़ा हमें बड़ी बर्बादी का सबब बना देगी, और बड़ी बर्बादी का सबब ये बन जाती है। और चौथा वस्त जो इमाम गजाली ने फरमाया वो ये है कि गुमराह ना हो। अच्छे दोस्त की निशानी और उसका वस्फ ये है कि वो गुमराह और बदमजहब यानी ज़रूरियात मजहब अहल सुन्नत का किसी चीज़ का इनकार करने वाला ना हो, क्योंकि बदमजहब की सोहबत ये ईमान के लिए सख्त खतरनाक है, जैसा कि अभी हमने वाकये से सुना, और उसके सबब बंदे के अकायद बिगड़ जाते हैं, दिल सियाह होता है और ईमान के अंदर कमजोरी आती है, ईमान कमजोर हो जाता है और आदमी जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों पर दिलेर हो जाता है। और पांचवा बस ये फरमाया कि हमने जिसे दोस्त बनाना है उसकी पांचवी खूबी ये है कि हम जिसे दोस्त बनाना चाह रहे हैं वो दुनिया का लालची ना हो, क्योंकि लालची इंसान 4 पैसों की लालच में कुछ का कुछ कर डालता है। ये मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 5 वस्फ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए। तो लिहाजा हम हर चीज़ में तलाश करते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी मिल जाए, ये चीज़ हमें अच्छी मिल जाए, तो लिहाजा बुजुर्गान दीन ने हमें ये भी तरीका और ये भी चीज़ सिखाई है कि जब हम किसी को दोस्त बनाएं तो ये खूबियाँ भी तलाश करें, ये सिफात भी तलाश करें कि हम जिसकी सोहबत में बैठने वाले हैं, जिसके साथ हमारा ताल्लुक कायम होने वाला है और जिसके साथ हम रहने वाले हैं, क्या वाकई ये उन औसाफ के और इन सिफतों के हामिल है। अगर ये हामिल होते हैं तो मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी ये दोस्ती, हमारा ये ताल्लुक और हमारा ये रब्त हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा, और अगर यही दोस्ती किसी और से होगी, इन सब तमाम खूबियों वाले से नहीं होगी बल्कि किसी गैर से होगी, तो मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका बवाल हमने सुना कि कहीं ना कहीं हमें बर्बादी की तरफ, हलाकत की तरफ लेकर चले जाएगा। ये मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकों की सोहबत अपनाइए, इंशाअल्लाह ताला नेकों की सोहबत से हमारे दिल भी नरम होंगे। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का बड़ा प्यारा माहौल है, अगर हम अपना जहन बना लें खसूसियत के साथ कि अगर हम काफिलों में सफ़र करने में कामयाब हो गए तो वहाँ
नेकों की सोबत हमें मिल जाएगी, राय खुदा में हम मुसाफिर बन जाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी मिल जाएगी। तो ये मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत भरा प्यारा माहौल आपके सामने है, तो लिहाजा इससे वाबस्ता होकर दीन मदीन की खिदमत करने में हम अपना हिस्सा मिलाए इंशाअल्लाह ताला, इसकी बरकत से हम नेक बनेंगे, गुनाहों से हमें बचने का ज़हन मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी मानों में और इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।